तो इस एपिसोड की शुरुआत में याओयुआन फैमिली का वॉरियर इन 13 डाकुओं को बोलता है, तुम 13 डाकुओं ने हमेशा हम लोगों के याओयुआन माइनिंग रेलम के ऊपर हमला किया है, और क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम लोग दोबारा से तुम्हारे इस जाल में फंस जाएंगे, क्योंकि तुम लोग पूर्व से हमला करते हो और पश्चिम से माल के लेकर निकल जाते हो, इसलिए अब जब तुम हम लोगों के ऊपर हमला करोगे तब हम भी तुम लोगों के ऊपर हमला करेंगे, क्योंकि अब तुम लोगों को सबक सिखाने का टाइम आ चुका है। और युवान तुम वो सिर हो जिसे मैं कभी भी नहीं सोच सकता हूँ, क्योंकि तुमने उन सभी को छोड़कर इस जगह से भागने का फैसला किया था। इस पर इरफान बोलता है, जितनी जल्दी हो सके इस जगह से अपनी जान को बचाकर भागो। तभी यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े जाइंट स्वॉर्ड अपेयर होने लगते हैं। इस चीज को देखकर ये दोनों भी समझ जाते हैं कि इस जगह से बचकर निकलना इन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्वॉर्ड इस एल्डर ने अपेयर कर लिए थे, और इनकी मदद से वो यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन को बना देता है, जिसके अंदर में इरफान और युवान फंस जाते हैं। इसके बाद वो इस स्वॉर्ड के अंदर में इरफान और युवान को कुचलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इरफान ने अपने आसपास में एक फॉर्मेशन बना लिया था, लेकिन फिर भी उसे इस चीज को रोकने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तभी अचानक से इरफान और युवान की जगह पर कोई मदद करता है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी जायंट स्वॉर्ड से वो अचानक से आसमान की ओर चले जाते हैं। इस चीज को देखकर ये एल्डर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, और वो बोलता है, आखिरकार कौन है जो कि यहाँ पर ऐसा कर रहा है। तभी एक नर्सिंग वॉइस बोलती है, तुम लोगों की इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि तुम लोगों ने यहाँ पर मेरे पोते को मारने की कोशिश की है। इस बात को सुनकर ये आदमी हम लोगों को बताने लगता है कि यह तो वही ओल्ड चोर है। तभी ये ओल्ड चोर इन लोगों को बताता है कि मेरी उम्र 1000 वर्ष से भी ज्यादा है, और तुमने क्या मेरे जूनियर को जान से मार डाला है, तो इस चीज की कीमत तो तुम लोगों को यहाँ पर चुकानी ही होगी। इसके बाद वो अपने ट्रेजर से इन एल्डर के ऊपर हमला कर देता है, जिसे देखकर ये सभी एल्डर यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्रोटेक्टिव बैरियर बना लेते हैं। लेकिन इस एल्डर का ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से इन सभी एल्डर को यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि इस एल्डर ने जिस ट्रेजर से हमला किया था उसका साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा था, और यहाँ पर जितने भी माउंटेन थे वो सभी एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और साथ ही यहाँ पर ये बैरियर भी बहुत ही आसानी के साथ ये ओल्ड चोर डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसे देखकर ये एल्डर बोलता है, इस ओल्ड चोर के पास बहुत सारे मैजिकल वेपन हैं जिनके बारे में हम लोगों को कुछ भी पता नहीं है, इसलिए सभी लोग इस जगह से अपनी अपनी जान को बचाकर भागो, क्योंकि जो भी इस ट्रेजर के नीचे में आ जाएगा उसकी मौत एकदम तय है। इस बात को सुनने के बाद ये सभी लोग अपनी जान को बचाकर यहाँ से भाग जाते हैं। तभी हम लोगों को इस ओल्ड चोर को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर अपने ट्रेजर के साइड को छोटा कर अपने पास रख लेता है। तभी युवान यहाँ पर आ जाता है, और वो बोलता है, दादाजी आप इतनी से छोटी सी बात के लिए इस जगह पर फाइट करने के लिए क्यों आए थे? क्योंकि मैं ही तो इन लोगों के ऊपर भारी पड़ रहा था। इस पर ये ओल्ड आदमी बोलता है, अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो अब तक तुम्हारी मौत हो गई होती। इसके बाद वह इस लड़के को यहाँ पर मारने लगता है। इस पर युवान अपने ग्रैंडफादर को बताने लगता है कि मैं इस जगह पर अपने साथ एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर को लाया हूँ, अगर वो हम लोगों के साथ आ जाता है तो हम लोगों की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। इस पर ग्रैंडपा बोलता है, आखिरकार वो आदमी कौन है? तभी युवान बोलता है, मैं आपको उसके साथ मिलाने के लिए ले जाता हूँ। लेकिन तब तक इरफान इस जगह से बचकर निकल गया था। इस चीज को देखकर इस ओल्ड एल्डर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो अपने पोटे को यहाँ पर दौड़ा दौड़ा कर मारने लगता है। इसके बाद हम लोगों को रात का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर माइनिंग के अंदर में सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था, और इरफान हम लोगों को बताने लगता है कि तिप्तिया ग्रास उतना ज्यादा उपजाऊ नहीं था, लेकिन लाओगुआन एलिमेंट लाइब्रेरी में बहुत सारे मैजिकल तत्व थे जिनकी मदद से मैं बहुत ही आसानी के साथ मैं डाउगोन लेवल को अचीव कर लूंगा। इसके बाद वह इन सभी युवान स्टोन को अपनी पावर की मदद से कल्टीवेट करने की कोशिश करने लगता है। तभी इस युवान स्टोन के अंदर से बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी इरफान के सोल सी में चली जाती है, जिसकी वजह से इरफान का सोल सी में जो दरवाजा होता है उसके पास ये एनर्जी जाकर इकट्ठा होने लगती है, और साथ ही इरफान भी अपने सोल सी में चला जाता है, और इरफान के अंदर में बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी जाने लगती है। इसके बाद इरफान बोलता है, मुझे पुण्य हेवन डोर को अब ओपन करना ही होगा। इसके बाद वो अपनी पूरी पावर के साथ में इस गेट को ओपन करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इस चीज में उसे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि इस गेट के अंदर में बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी जा रही थी। लेकिन इरफान हार नहीं मानता है, और वो यहाँ पर कोशिश करते रहता है। तभी हम लोगों को रियल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इन सभी युवान स्टोन के अंदर से अब स्पिरिचुअल एनर्जी आना बंद हो गई थी। लेकिन इरफान अभी भी इस डोर को ओपन नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उसे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, और वो अपनी पूरी पावर के साथ में इस डोर को ओपन करने की कोशिश करने लगता है, जिसकी वजह से इस डोर के अंदर में जो सर्कल बना हुआ होता है उसके अंदर में इरफान की स्पिरिचुअल एनर्जी चली जाती है, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा था। और रियल वर्ल्ड में अभी भी इरफान मेडिटेट कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी और भी ज्यादा बढ़ रही थी।
लेकिन इरफान के यहाँ पर इतने ज्यादा मेहनत करने का कोई भी फायदा नहीं होता है, क्योंकि इरफान इस गेट को ओपन नहीं कर पाता है। इसके बाद इरफान हम लोगों को बताने लगता है कि यह चीज इतनी ज्यादा आसान होने वाली नहीं है, क्योंकि किंवदंती ने कहा था कि एशियन महान कैप्सूल ने अकेले ही पहाड़ियों के समुद्र के सीक्रेट रियलम में कल्टीवेशन किया था, और इस चीज को इन लोगों ने 9 जीवन और 9 मृत्यु तक अनुभव किया था। इसलिए अगर मुझे दाओगोंग लेवल को ब्रेक थ्रू करना है तो किसी तरह करके मुझे इस गेट को ओपन करना ही होगा, तब जाकर शायद से मैं अपने लेवल को ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। लेकिन अभी मेरी पावर उतनी ज्यादा नहीं है कि मैं इस गेट को ओपन कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास जितने भी युआन स्टोन थे मैंने उन सभी को खर्च कर दिया है, लेकिन फिर भी मैंने इस गेट को अभी तक ओपन नहीं कर पाया है। इसके बाद हम लोगों को रियल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इरफान अपनी आंखों को खोल देता है और वो बोलता है, अगर तुम्हें एशियन होली बॉडी को तोड़ना है तो तुम्हें जिस चीज की आवश्यकता है फिलहाल के लिए वो चीज अभी तुम्हारे पास नहीं है। इसके बाद वो इस केव से बाहर निकल जाता है और वो बोलता है, अगर 10 युआन स्टोन इस गेट को ओपन करने के लिए काफी नहीं है तो 100 युआन स्टोन मैं लाऊंगा, और 100 युआन स्टोन भी अगर काफी नहीं पड़ते हैं तो मैं 1000 युआन स्टोन लाऊंगा। तभी यहाँ पर हम लोगों को 2 सोल्जर को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर सभी को बताने लगता है कि जेब पर जितने भी सर्वेंट है वो सभी हम लोगों के हैं। तभी इन दोनों सर्वेंट के हम लोगों को मालिक को दिखाया जाता है, जिसका नाम चैन होता है, जो कि बहुत ही ठाट बांट से आगे की ओर जा रहा था। तभी एक सर्वेंट मास्टर चैन को बताने लगता है कि कुछ सालों से हम लोगों की पगार बहुत ही ज्यादा कम है, इसलिए कि आप हम लोगों की पगार को दोबारा से बढ़ा सकते हो। इस पर मास्टर चैन इसे मना कर देता है। इसके बाद यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी अपने पास से एक एक ट्रेजर को बाहर निकाल लेते हैं और इस जगह पर ट्रेजर की तलाश करने लगते हैं कि आखिरकार कहाँ पर युआन स्टोन को रखा गया है। लेकिन शायद से इन लोगों को पता नहीं होता है कि इरफान इन लोगों को छुप छुप कर देख रहा है। लेकिन तभी इन लोगों को युआन स्टोन के लोकेशन के बारे में पता चल जाता है, जिसके बारे में वो मास्टर चैन को बता देते हैं। इसके बाद मास्टर चैन अपने स्वॉर्ड से इस पत्थर के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से इस जगह पर कुछ युआन स्टोन अपीयर हो जाते हैं। इस चीज को देखकर ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, और इन सब चीजों को दूर से इरफान देखकर थोड़ा सा शॉक होता है और वो बोलता है, अब मुझे समझ में आ गया है कि युआन स्टोन को कैसे ढूंढना है। तभी ये सभी सर्वेंट इस जगह पर जितने भी युआन स्टोन थे उन सभी को वो इस बोरी के अंदर में भरकर इस जगह से जाने की तैयारी करने लगते हैं। तभी मास्टर चैन यहाँ पर अपना काम कर रहा होता है और इसके सामने यह सर्वेंट आ जाता है और वो बोलता है, आप यहाँ पर इतने सारे युआन स्टोन को देख सकते हो जिसकी तादाद बहुत ही ज्यादा है, लेकिन आपने हमको 5 युआन स्टोन देने का वादा किया था और आपने तो केवल 5 युआन स्टोन को ही ढूंढने की बात कही थी, लेकिन आप देख सकते हो कि हम लोगों ने कितने ज्यादा युआन स्टोन को ढूंढ कर आपको दिया है। इस बात को सुनकर मास्टर चैन थोड़ा सा खुश हो जाते हैं और वो बोलता है, तुम लोग पिछली वाली टीम से बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, क्योंकि तुम लोगों ने बहुत ही आसानी के साथ में इतने सारे युआन स्टोन को ढूंढ लिया है, जो कि कोई मामूली बात नहीं है। इस बात को सुनकर ये दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी मास्टर चैन बोलता है, तुम लोगों को मेरे साथ मेरे गांव चलना चाहिए, जहां पर हम लोग और भी बहुत ही ज्यादा युआन स्टोन को ढूंढ सकते हैं। और ऐसे ही कुछ देर तक ये लोग बहुत ही ज्यादा बकवास करते रहते हैं, लेकिन तभी इन लोगों के साथी को कोई पीट देता है, जो कि दूर जाकर गिरता है। इस चीज को देखकर मास्टर चैन थोड़ा सा शॉक हो जाता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट कुछ ही देर में अपलोड कर दिया जाएगा।